मेजर ऑफ डिस्पर्शन। टुडे आवर टॉपिक इज मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट एन ऑर्बिटरी नंबर। जब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं किसी ऑर्बिटरी नंबर से, पहले हम फाइंड करते हैं आमतौर पर मूवमेंट मीन के अकॉर्डिंग, तो वो सिंपल होता है वी आई माइनस म्यू बार। अब हम एक नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा एम आर बार इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन वाई आई माइनस ए, वो वैल्यू हम इसमें से माइनस करेंगे आर ओवर एन विच इज इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन डी आई आर ओवर एन। और यहाँ पर डी आई किसके इक्वल है, डी आई इक्वल है वाई आई माइनस ए। पहले हम आम जब मीन के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे वाई बार होता है, अब हम एक नंबर को हर वैल्यू में से माइनस करेंगे फिर उसको एन पे डिवाइड करेंगे फिर हमारे पास एम आर बार आएगा। जब हम एम वन फाइंड करेंगे एम वन बार तो ये इक्वल होगा वाई आई आई वन इंटू एन वाई आई माइनस ए इज इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन डी आई बाय एन। देन सेकेंड एम टू बार इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन वाई आई माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा, पहले में आर की जगह पे टू आ गया क्योंकि हम टू एम टू बार फाइंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन डी आई स्क्वेयर बाय एन। इसी तरह से जब हम थर्ड का फाइंड करेंगे देन आएगा एम आर थ्री एम एम थ्री एम आर एम थ्री बार इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन वाई आई माइनस ए थ्री ओवर एन, और ये इक्वल आ जाएगा सम आई इक्वल टू वन इंटू एन डी आई क्यूब बाय एन। फोर के लिए फाइंड करेंगे तो एम फोर बार इक्वल टू आई इक्वल टू वन इंटू एन वाई आई माइनस ए फोर by n equal to sum i equal to 1 into n di 4 by n। जब हम मूवमेंट मीन की अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं तो y बार आता है और उसमें मीन, तो उसे सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। जो उसके अलावा ऑर्बिटरी नंबर के अकॉर्डिंग जब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं तो उसे नॉन सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं। और जब हम अनग्रुप ग्रुप डाटा के लिए फाइंड करेंगे तो एम वन बार इक्वल आ जाएगा, पहले एम आर बार के लिए लिखते हैं आई इक्वल टू वन इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस ए आर ओवर सम एफ विच इज इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन एफ आई डी आई आर बाय सम एफ। इसी तरह से जब हम वन के लिए फाइंड करेंगे एम वन बार इक्वल टू आई इक्वल टू वन इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस ए पावर वन ओवर सम एफ। और जब हम डी में इसे लिखेंगे ये पूरी वैल्यू डी के इक्वल लिख रहे हैं एफ आई डी आई वन बाय सम एफ। एम टू बार विच इज इक्वल टू आई इक्वल टू वन इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस ए स्क्वेयर ओवर सम एफ इक्वल टू सम एफ आई डी आई स्क्वेयर बाय सम एफ। एम थ्री बार विच इज इक्वल टू सम आई इक्वल टू वन इंटू एन एफ आई वाई आई माइनस ए क्यूब ओवर सम एफ एंड विच इज इक्वल टू सम एफ आई डी आई क्यूब बाय सम एफ। इस तरह से फोर्थ का भी फाइंड कर लें। और जब हम इनके मूवमेंट फाइंड करते हैं, ये तो बार के लिए है ना मूवमेंट, जब एम वन फाइंड करने के लिए इक्वल है एम वन बार माइनस एम वन बार इक्वल टू जीरो, एम टू बार फाइंड करेंगे तो एम टू बार माइनस एम वन बार स्क्वायर, एम थ्री बार के लिए एम थ्री बार माइनस थ्री एम टू बार एम वन बार प्लस टू एम वन पावर फोर, एम फोर बार के लिए एम फोर इक्वल टू एम फोर बार माइनस फोर एम थ्री बार एम वन बार
प्लस सिक्स एम टू बार एम वन स्क्वायर माइनस थ्री एम वन बार फोर। इनके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे देन हमें m1, m2, m3, m4 की वैल्यू फाइंड होगी।